Good morning, children. So, we are starting our new chapter, that is chapter number 17. What is the title of the chapter? Natural Vegetation. You come to page number 131. Right? You come to page number 131. Right? You come to page number 131. Okay? Now see children. You know what is meant by vegetation. Right? In 7th standard and 8th standard, you are studying about vegetation. Okay. Now, if I am not wrong, we will study a little bit in advance what is meant by vegetation. Vegetation is called there. Abhi, ye lecture aapke paas kab aayega, wo to mere ko maloom nahi hai. Lekin, abhi jo main record kar raha hu ye lecture, wo us waqt hamare monsoon ka season chal raha hai. और यही लेक्चर के आज के दिन आज सुबह मेरे को रेनकोट पहन के आना पड़ेगा इतनी बारिश है. आई एम टॉकिंग अबाउट 23rd September सुबह के. बराबर है. तो मॉनसून एज वी नो विल गो लिटिल बिट इन डिटेल इज अ प्राइम सीजन फॉर इंडिया एज फार एज एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस इज कंसर्न. And in primary standard children you have studied, there are three factors responsible for germination. That is air, water and temperature. Round the clock, that is called 12 months. Air is available. Temperature is available. But water is available for short span of time, that is called monsoon season. So you see children, in monsoon season we are saying lush green fields spread everywhere, lush greenery spread everywhere, even the brown top mountains turns extremely green when it is monsoon season. We enjoy that monsoon season. अभी तो आप बच्चे लोग घर पे बैठे हो, शायद बाहर भी जाते होंगे, शायद संडेज ऐसे कुछ एटमोसफियर भी बढ़िया होता है, क्लाउडी धूप धूप नहीं होती. और अपनी नजर जहां तक आप पहुंचाओ आपको सिर्फ हरियाली दिखाई देगी और पानी दिखाई देगा. मैं बार बार बोलता हूं कि पिछले साल भी बारिश हमारे वहाँ गुजरात में अच्छी हुई थी, ये साल पिछले साल से भी ज़्यादा बारिश हुई गुजरात में. लास्ट ईयर वी रिसीव ऑलमोस्ट 126% ऑफ रेनफॉल. दिस टाइम इन गुजरात वी रिसीव मोर देन दैट स्पेसिफिकली स्पीकिंग. जहाँ भी आप जाओ सारे डैम्स, चेक डैम्स, छोटे मोटे नदी नाले सब उफान पे हैं. सबसे सब सभी ओर से पानी बह रहा है और अब खेत में जो ऑलमोस्ट क्रॉप्स आ रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर नाउ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट. तो ये तो अपने मानसून की बात की, लेकिन जो अनहैबिटेड विस्तार है जहाँ पहले से कई छोटे बड़े पेड़ पौधे ये सब मौजूद है, मानसून आता है तब उसमें खिलावट आती है. मान लो हमारा भावनगर का विक्टोरिया की बात करें, आप विक्टोरिया पार्क में गए होंगे बच्चों. बराबर. यू सी समर में अगर आप अप्रैल मई के वक्त आप विक्टोरिया में जाओ तो आपको ऐसे लगेगा कि जो उधर पूरा जो इकोसिस्टम है सब पेड़ है. दे आर ऑलरेडी श्रेडेड देयर लीव्स, दे आर एक्सट्रीमली वीक. हमको ऐसे बार से ऐसे लगते हैं ये सब सूख गए, पानी नहीं है इसीलिए सूख गए, एक भी पत्ता आपको नहीं दिखाई देगा.
सब विरान विरान चला। अभी आज की मैं बात करूं, रिकॉर्डिंग की बात, रिकॉर्डिंग के दिन की बात कर रहा हूं, आप विक्टोरिया में जाओ, कितनी बढ़िया हरियाली है, सारे पेड़ ग्रीन, लश ग्रीन लीव्स से ढके हुए, दो तीन जगह उधर वाटर बॉडी है वो भी फुल भरी हुई है, कई सारी बर्ड्स की वो छोटे मोटे एनिमल्स रैबिट्स और ऐसे बोलते हैं स्पीशीज दिखाई देती है। मैं दो दिन पहले मैं शाम को वॉकिंग के लिए गया था, देखा कि भाई चलो भैया कुदरत तो इधर ही है, आधे पौने घंटे में उधर बैठ गया, क्या बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग, तो बेंचेस वगैरह वॉकिंग के लिए गए लेकिन मैं बैठ गया उधर, इतना मजा आया। क्यों? वी आर पासिंग टू द फेज ऑफ मॉनसून, जिसको हम कुदरत बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, सबसे बड़ा जादूगर है। तो हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन। टेक्निकली स्पीकिंग तो बुक ऐसा डेफिनेशन देती है हमको कि जो वेजिटेशन ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना अपने आप कुदरत के सहारे जो ग्रो होता है उसे नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेजिटेशन। सो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? माय आंसर, वेजिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट? इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट वेजिटेशन। Its importance is accepted since ancient time. आप पुराने पौराणिक सीरियल्स पर सब जो राइट महाभारत जो रामायण देखो तो गुरु का आश्रम चारों ओर हरियाली जंगल विस्तार दिखाए। उस वक्त का एक एग्रीकल्चर सॉरी छोटे मोटे गांव थे, छोटे मोटे राजा रजवाड़े थे, उस वक्त इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था, हल्ला गुल नहीं था, हमारे जैसे घटिया किस्म के लोग नहीं थे, कितनी वेजिटेशन। और ये लोग को ये बातें तो सब हजारों साल पुरानी है, तो ये फिल्म मेकर्स है सीरियल के जो प्रोड्यूसर है उसको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है अभी कि जो हम 5,000-6,000 साल की बात जीवंत कर सके, बराबर ऐसा सेट बनाना पड़ता है जैसा 5,000 साल पहले जो माहौल था, बराबर है। तो ये सब अब देखते हैं हमारे कोई भी धारावाहिक में ऐसे, तो आजू बाजू जो जो घना विस्तार होता है, जंगल विस्तार होता है उसको वेजिटेशन बोलते हैं, बराबर है। इंडिया इज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि इंडिया में लेसन 14 में मैंने आपको पढ़ाया है देयर आर 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, and all 5 physiographic divisions of India have different diversities, all 5, barabar hai. India holds 10th position in the world and 14th Asia, main aapko bhi dikhe dikhata hu. Acha, now I'm coming to my main point, what is mean by natural vegetation? Mera answer kya hoga beta? A forest which excuse me called a group of trees. And those trees and those trees which grow in natural condition
natural condition. Natural condition without the help of human beings is called natural vegetation. ये उसका डेफिनेशन है. अ फॉरेस्ट व्हिच इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड ओक्स ट्रीज व्हिच ग्रो इन नेचुरल कंडीशन विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. आया समझ में? उसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल वेजिटेशन. क्लियर? एक इंपॉर्टेंट नोट, इंडिया रैंक्स fourth in Asia, right? In terms of natural vegetation, right? India ranks 10th in world and 4th in Asia in terms of natural vegetation. Pakka samajh mein aa gaya? Now, which are the factors responsible for natural vegetation? Right? Let us read out the factors. The factors which are responsible. बराबर है? आज कोई natural vegetation बनता है, बराबर forest बनते हैं, इतने घने जंगल अस्तित्व में आते हैं, तो उसका कोई base तो होगा ना? कल से हम तो कुदरत की ओर से मिलती है, तो वो हेल्प कौन सी कौन सी है? जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं. ऐसे कुछ में द डायवर्सिटी इन इंडियन नेचर फॉरेस्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू सेवरल रीजंस. नंबर वन, रिलीफ फीचर्स. Number two, soil. Number three, temperature. Number four, sunshine. मतलब हीट. Sunshine. Number five, rainfall. This is the main factor. Rainfall. And number six, humidity. And number six, humidity. Right? नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ावा देने के लिए. नेचुरल वेजिटेशन कैसे बढ़ता है? तो ये सब फैक्टर्स की वजह से. कौन से फैक्टर्स है? देखो तो रिलीफ फीचर्स है, सॉइल है,
किस प्रकार की मिट्टी है उसी प्रकार से उधर वेजिटेशन होता है। मान लो आसाम की मिट्टी बराबर गुजरात से अलग है, तो आसाम में जो वेजिटेशन है वो गुजरात में नहीं दिए गए, गुजरात में जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, क्योंकि सारे स्टेट में सॉइल अलग अलग प्रकार की है, तो उसके हिसाब से उधर वेजिटेशन होगा। रिलीफ फीचर्स मतलब फिजियोग्राफी, कश्मीर के रिलीफ फीचर्स गुजरात से मैच नहीं होते, तो उसके जो रिलीफ फीचर्स है गुजरात के वो गुजरात जैसे है तो उधर ऐसे वेजिटेशन होगा, कश्मीर के जो रिलीफ फीचर्स है वो कश्मीर जैसे है उधर ऐसा वेजिटेशन होगा, ऐसे समझ में। फिर आता है टेम्परेचर ऑल्सो वी नो टेम्परेचर इज डिफरेंट एवरीवेयर इन होल नेशन, बराबर है। आप सभी सीजन ऑफ इंडिया में पढ़े टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस, कहीं ज़्यादा धूप होती है कहीं ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस प्रकार के वेजिटेशन मतलब कश्मीर में जो सर्दी ज़्यादा है क्योंकि उधर टेम्परेचर कम है पहाड़ी इलाका है, तो उधर जो वेजिटेशन होता है वो हमारे गुजरात में कल्टिवेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुजरात का टेम्परेचर 12 महीना अलग अलग होता है, कश्मीर का अलग अलग होता है, ऐसा कुछ है। देन बोलते हैं सनशाइन मतलब इट इज कनेक्टेड टू टेम्परेचर। देन रेनफॉल, इंडिया में रेनफॉल भी पूरे इंडिया में अलग अलग प्रकार से रेनफॉल होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है कहीं कम बारिश होती है। मान लो राजस्थान में जो बारिश होती है वो कम बारिश होती है, उधर उस प्रकार का वेजिटेशन होगा, कैक्टस ओबुचा जुजुबा बराबर ऐसा वेजिटेशन होगा। मान लो आप ईस्टर्न जंगल्स जो देखो आसाम के, उधर बहुत सारी बारिश होती है, तो देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट कंक्लोज जंगल है, समझ में। तो ये सब बातें निकल के सामने आती है, राइट। फिर बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब भेज, कितना भेज होता है और कितनी मात्रा में, कौन से बात भेज मतलब नमी ज्यादा होती है कम बिल्कुल कम हो जाती है, और उसी नमी के हिसाब से वेजिटेशन को अपना सर्वाइवल मिलता है। तो ये जो सारे सिक्स फैक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन, ये सिक्स फैक्टर्स बराबर है। फिर से मैं दोहराता हूँ, रिलीफ फीचर्स मतलब फिजियोग्राफी, सेकेंड सॉइल है, दूसरा टेम्परेचर है, चौथा सनशाइन है, पांचवा रेनफॉल है और छठी ह्यूमिडिटी, बराबर है। तो ये हमारा सबसे अहम बात बारे। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जीआर शॉर्ट नोट लिखवाने जा रहा हूं, इट विल बी आस्क्ड इन टेस्ट। अभी मैं देखो आपसे बोल रहा हूं, इट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्टैंडर्ड 10th। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये हर एक पॉइंट में आपको लिख के करवाऊंगा ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए, है समझ में। चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, व्हाट इज माय क्वेश्चन एंड डीलिंग लेटर ऑन, क्वेश्चन में बाद में रब कर दो ना, फिर मैं बाद में क्वेश्चन लिखता हुआ। Most important question, India has a variety of natural vegetation. India has a variety of natural vegetation. बराबर है? तो ये मेरा क्वेश्चन है, अब हमारा आंसर है। पॉइंट नंबर वन, ड्यू टू डाइवर्सिफाइड रिलीफ लाइन, राइट। पॉइंट नंबर वन, ड्यू टू
justify the leaf. Like mountains, right? Deserts, plateaus, forests. Third one, there is difference in climate, that is hot, humid, cold, etc. Brother, Hindustan mein kai jagah aisi hai जहाँ 12 महीना गर्मी होती है, कई जगह ऐसी है जहाँ 12 महीना सर्दी का माहौल होता है, और कई जगह ऐसी है जहाँ 12 महीना भेज रहते हैं। तो इसके वजह से ये सब हो सकता है, बराबर है। फिर फोर्थ पॉइंट द आइसोलेशन, मतलब हीट, द आइसोलेशन ओवर एनी प्लेस, द आइसोलेशन ओवर एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स orange latitude, and altitude. Right? Isolation or heat of any place depends on its latitude and altitude. Remember? Distribution of rainfall. Distribution of rainfall is quite different in India. In India, it's quite different in India. But the distribution of rainfall is also quite different in India. तो अगर हम ये सब पहलू पे नजर करें, बराबर है, तो इंडिया में वेजिटेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। सी व्हाट इज माय क्वेश्चन, इंडिया इज अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, राइट? तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू डाइवर्सिटी रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेटोस, उसके हिसाब से वहां वेजिटेशन निकल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया,
बराबर है, उसके हिसाब से वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तीसरा दूसरा पॉइंट, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ये सारी जो सॉइल है उसके हिसाब से भारत में वेजिटेशन दिखते हैं, क्योंकि जो वेजिटेशन ब्लैक सॉइल में निकलते हैं वो माउंटेन सॉइल में नहीं निकल सकते, जो वेजिटेशन माउंटेन सॉइल में डेवलप होते हैं वो एलुवियल सॉइल में डेवलप नहीं होते, तो उसकी असर तो होगी ना, इंडिया में सब प्रकार की मिट्टी है, राइट। थर्ड, देयर इज डिफरेंस इन क्लाइमेट दैट इज नॉट हॉट ह्यूमिड क्लोड, इंडिया में कई जगह ऐसी है जो बारह महीना डेजर्ट टाइप क्लाइमेट होता है, राजस्थान देखो बारह महीना हॉट क्लाइमेट होती है, जम्मू कश्मीर देखो, नॉर्दर्न हिमालयस देखो, सिक्किम वो सब देखो, ईस्टर्न स्टेट्स बारह महीना सर्दी का मौसम रहता है, तो उधर उस टाइप की वेजिटेशन होगी, जो वेजिटेशन राजस्थान में होगी वो वेजिटेशन हिमालय में नहीं होगी, और जो वेजिटेशन हिमालय में होगी वो वेजिटेशन राजस्थान में नहीं होगी, आया समझ में। देयर इट कम्स टू द आइसोलेशन इज हीट, इक्वेटर में ज़्यादा हीट होती है, साउथ में कम, नॉर्थ में कम हीट, क्योंकि पहाड़ी विस्तार है, तो ये भी सब कुछ मायने रखते हैं, राइट। तो द आइसोलेशन ओवर एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड ज़्यादा है तो हीट कम है, अगर ये कम है तो हीट ज़्यादा है, तो उसके प्रकार से उधर वेजिटेशन होगा, जो वेजिटेशन हाई लैटिट्यूड पे होता है वो वेजिटेशन फ्लैट लैंड टेबल लैंड में नहीं होते, जो वेजिटेशन टेपल्स में होते हैं वो माउंटेन में नहीं होते, जो माउंटेन में होते हैं वो प्लेन में नहीं होते, सब जगह अलग अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज क्वाइट आल्सो डिफरेंट इन इंडिया, मान लो ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारी बारिश आती है, राजस्थान में कम बारिश आती है, ईस्टर्न घाट्स के आउटर पार्ट, वेस्टर्न घाट्स के आउटर पार्ट दो बारिश आती है, अंदर कम बारिश आती है, तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स ही है, लेकिन बाहर का वेजिटेशन अलग होता है, अंदर का वेजिटेशन अलग होता है, तो इसके हिसाब से हमारे भारत में, हमारे देश में वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया because of all these features. This is the most important answer I made you to write and learn, which is given in textbook as well as in material. ये पूरा आंसर बच्चे लोग 10th में रिपीट होता है, अभी से ही लर्न कर देने का ताकि 10th का कोई दिक्कत ही ना हो, आया समझ में? Any doubt? Okay. Now, we will mention about rankings of India, right? How many types of vegetation, species of vegetation, all these things, There are about 5,000 varieties of trees found in India. 5,000 varieties of trees found in India. Number 2, out of which 450 types of trees, मतलब जिसका हम यूज करते हैं आयुर्वेदा में ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड types of trees commercial. About 450 types of trees are commercially used.
brother, about 15,000 flowering plants grows in India. About 15,000 types of flowering plants grows in About 15,000 types of flowering plants grows in India. Fourth, it constitutes 6% of world gathered. Brother? Brother? Fifth point. About 2,000 plants are used as medicinal herbs mentioned in Ayurveda. सबको मालूम है अभी ये कोरोना काल में आयुर्वेदा की सबसे बोल बाला है तो उसका कुछ लेखा जोखा है तो उसका कुछ लेखा जोखा ऐसा है बराबर है देयर आर अबाउट 5,000 वैरायटीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन इंडिया बराबर 450 टाइप्स ऑफ ट्रीज आर कमर्शियली यूज वुड फ्यूल जैसे कुछ है जैसे हम कंस्ट्रक्शन में उसका यूज होता है हम देखते हैं About 15,000 types of flowering plants are found in India, are grown in India. It constitutes about 6% of world population. Brother, 7-6% pura vishwa ke phool, pair, paudhe Hindustan mein dikhai dete hain. And about 2,000 plants are used for medicinal purpose. India is also famous since ancient time for herbal plants. ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बराबर है? Non-flowering plants like fern, algae, mosses, बराबर है? Fern, algae, mosses, सब कुछ हमारे देश में दिया गया है। बराबर? अभी हमारा नया टॉपिक है types of vegetation. Types of Vegetation. Types of vegetation. Yeah, light इतने बजे बारह बज कर नहीं आए. Types of vegetation.
vegetation. There are five types of vegetation based on rainfall, soil, and temperature. Remember? On the basic job, where I calculate number 131 pair. Existence and growth of any vegetation depends on the climate of a region. However, in the region of identical climate, identical means similar climate, right? There are some pockets in India, right? Very fine climate, very similar to each other. Though they are having distance, but climate is almost similar, right? The vegetation is most identical. Regions with such ecological similarities is called natural vegetation regions. Right? और उसके हिसाब से five natural vegetation bifurcate हुए. Number one, tropical rainforest. Tropical rainforest. Tropical rainforest. Right? Number two, tropical deciduous forest. Tropical deciduous desert vegetation. Tropical desert vegetation. Tropical desert vegetation. Number four, temperate forest. These are the five types of natural vegetation found in India. Number one, tropical rainforest. Number two, tropical deciduous forest. Number three, tropical desert vegetation. Four, temperate forest and grassland. And number five, tidal forest. So these are the five types of vegetation which are found in. Now, it's the time to take your homework, right? Natural vegetation. What is meant by natural vegetation? Right? This is question number one. What is meant by natural vegetation? Number three. India have diversified vegetation. From India, I have diversified vegetation.
Number three, mention the types of vegetation found in India. Right? So these are the three questions. Number one, what is meant by vegetation? Number two, India has diversified vegetation. Number three, mention the types of vegetation found in India. Right? These are three questions of your homework. In next lecture, we'll study in detail all these five types of natural vegetation. Till then, children, bye, take care.